जिसके जिसने तिरंगे को लहराया दुनिया के सामने, भारत के तिरंगे को, आज उसको पूछने वाला, देखने वाला, उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। हम बिहार की धरती से चल करके, चूंकि हम बिहार के खिलाड़ियों के संघ के अध्यक्ष हैं, इन खिलाड़ियों का समर्थन करने आए हैं कि आज आपके साथ पूरा देश के खिलाड़ियों की भावना आपके साथ है, देश का खिलाड़ी आपके साथ है। आप अपनी मांगों पर डटे हैं, अड़े रहिए, एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और आपकी मांग को मानना पड़ेगा। इस बात को सब लोग जानते हैं कि हमारे खिलाड़ी भाई जिन्होंने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया है, आज वो सड़क पर धरने पर बैठे हैं। ये आखिर दिन क्यों देखना पड़ा आज हिंदुस्तान को, इसका जवाब केंद्र में बैठी सरकार को देना होगा। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, ये खेल में राजनीति नहीं, लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय खेल मंत्री जी से, कि आखिर इन खिलाड़ियों का दुख और दर्द सुनने वाला अगर कोई नहीं है तो फिर खेल पर जो बातें हो रही है, खेलो इंडिया की बातें हो रही है, ये बेईमानी है। और हमारी स्पष्ट मांग है कि जितनी जल्द हो सके जो खिलाड़ियों की, हमारे खिलाड़ियों की मांग है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में शुरू हो जाएगा। और खिलाड़ियों, खेल के मैदान के बदले पूरे देश के खिलाड़ी सड़कों पर, खेल के लिए एक काला धब्बा है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने देश के तिरंगे को शान से फहराने का काम किया, वो खिलाड़ी आज सड़कों पर बैठा है और उनका सुध लेने वाला, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इससे बड़ी पीड़ा खिलाड़ियों की और कुछ नहीं हो सकती है। आप तमाम लोग आए हैं हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करने, हम बिहार से चलकर आए हैं, और जो सपना दिखाया गया था, जो वादे किए गए थे, उसका ये दिन देखना पड़ेगा खिलाड़ियों को, ये सोचा नहीं था। आज देश का नौजवान, देश का खिलाड़ी, देश का किसान परेशान है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर हमारी सरकार मस्त है, खिलाड़ी पस्त है। इसलिए हम कहना चाहते हैं मित्रों, एक बार इन खिलाड़ियों के लिए गर्मजोशी के साथ ऐसा नारा लगाइए कि ये जंतर मंतर से जो आवाज निकले वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। आप लोग सब लोग दोनों मुट्ठी बांध करके आप खिलाड़ी एकता की बात, इनके समर्थन को करने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोग एक बार जोरदार तरीके से पूरे जोश खरोश के साथ इनका उत्साह बढ़ाइए और दोनों हाथ उठाकर कहिए, खिलाड़ी एकता जिंदाबाद, खिलाड़ी एकता जिंदाबाद, अपनी मांगे लेके रहेंगे, मर कर लेंगे। देखिए, ये थोड़ा जोश और भरना होगा, ये पहलवान भाई है, और पहलवान भाई जब हमारे दूसरे देशों के पहलवानों को जब चित करते हैं तो उनकी ताकत का एहसास इस सरकार को भी होना चाहिए कि इस देश के पहलवानों में इतनी ताकत है, ये किसी भी सरकार को भी पटक सकती है। इसलिए एक बार जोरदार नारों के साथ, खिलाड़ी एकता जिंदाबाद, खिलाड़ी एकता जिंदाबाद।